करें। इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, क्या पढ़ रहे थे सर? फिजिकल प्रॉपर्टी, किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी बताओ बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। सबसे फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो क्या थी? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या आएगा बताओ? क्या सारे के सारे नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, या गैस स्टेट में होते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में क्या लिखोगे आप बताओ? सर लास्ट क्लास में हमने वो सिलिकॉन वाला लास्ट टेबल तक छोड़ दिया था कि स्टार्ट नहीं किया था फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके ओके, तो ओके ठीक है। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ईदर दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट। सर कोई लिक्विड में प्रेजेंट होता है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक, क्या होता है? ओनली वन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट एट व्हाट टेम्परेचर? सर हम रूम में खड़े तो रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, तो एट रूम टेम्परेचर, ओके। और सभी को मैंने बताया था रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है सर? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। मैं जब भी बात करूंगा रूम टेम्परेचर की, आप सभी के माइंड में क्या जाना चाहिए? वी आर टॉकिंग अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। तो सर कोई ऐसे मेटल्स नॉन मेटल बताओ जो किस स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड में। कुछ ऐसे बताओ जो गैस स्टेट में प्रेजेंट है, और कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसी के अंदर लिख सकते हो सॉलिड, सॉलिड में जो हमारे पास ठीक हो पहले दिक्कत आ रही थी, वाईफाई का यूज हो रहा था, अब तो मेरा फोन से कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, तो सॉलिड में कौन से ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं? तो सबसे पहले आप लिखोगे कार्बन, ये तो विजिबल आपको ग्रीन मार्कर, यस सर, या ब्लैक से ही लिखो सिर्फ? नहीं सर, विजिबल है। और ये वाला मार्कर, ये क्या लिखा मैंने? कार्बन, सल्फर, सल्फर, सल्फर के अलावा और कोई होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, आयोडीन। सर और कोई भी होगा? हाँ और भी होंगे, एक्सेट्रा लिख देते हैं अभी, लिख देते हैं एक्सेट्रा। कितने नॉन मेटल्स होते हैं, टोटल नॉन मेटल कितने होते हैं? 22। आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट? सर आप बता रहे थे 10। तो 10 नॉन मेटल्स, जिनमें से तीन कौन है? कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ठीक है। इसके बाद सेकंड लिक्विड की बात करें, किसकी बात करें? लिक्विड। तो लिक्विड में कितने नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ सर ओनली वन,
बिल्कुल सही। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एट रूम टेम्परेचर, किस स्टेट में होता है सर? लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है? लिक्विड स्टेट में। आफ्टर ब्रोमीन हमारे पास क्या रह गए? गैसेस। तो गैसेस के अंदर कितने नॉन मेटल्स होते हैं? टोटल 11 नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट। ओके, हाउ मेनी नॉन मेटल्स सर? 11। तो सर कुछ का तो नाम बताएं। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल जो गैस स्टेट में है, तो किसी एक दो का नाम बताओ। किसी को पता है कोई नॉन मेटल जो गैस स्टेट में है? तो हम सब ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कोई? हाँ सर, हाइड्रोजन। यस सर। उसके अलावा सर अभी हम लिख देते हैं एक्सेट्रा। क्या लिख देते हैं? ईटीसी। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यस ना? तो मेरे ख्याल से फिजिकल स्टेट वाला पॉइंट सबको क्लियर होता है। यस। फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल, तो जनरली नॉन मेटल तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। टोटल नॉन मेटल कितने होते हैं? 22। कितने नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं सर? 10। कितने लिक्विड में सर? 1। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन गैसेस स्टेट 11। 10 प्लस 1 11। ऐसे याद रख सकते हो अगर बाई चांस भूल जाओ तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, सबको ये विजिबल है पॉइंट? तो यहां पर याद रखना, नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेटल की बात करें तो सर हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन मेटल्स आर जर्नली, क्या है? जर्नली सॉफ्ट होते हैं। क्या सर कोई ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड है, बोल सकते हैं? वो ऐसा नॉन मेटल हो सकता है जो नेचर में हार्ड हो? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। मे बी बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा है कौन है सर? डायमंड। डायमंड क्या है? किसका इलेक्ट्रोप है सर? कार्बन का इलेक्ट्रोप है। यस सर ना, कार्बन एक नॉन मेटल है। yes. और डायमंड को क्या बोला जाता है? इट इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे अर्थ पे, जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस में सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड। और डायमंड बना होता है कार्बन से। तो यहां पर एक्सेप्ट करके लिख लोगे, एक्सेप्ट क्या लिखोगे? डायमंड। सबको विजिबल है ना ये चीज? ठीक है, तो डायमंड क्या है? एन एलोट्रोप। किसका? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और डायमंड के बारे में हमने क्या बात की? डायमंड इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। यस और नो, बोल सकते हैं? सेकंड पॉइंट किसको समझ में आया? किसको समझ में आया सेकंड पॉइंट में? सर जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सिवाय डायमंड को। आप बोलो सर, नॉन मेटल्स और मेटल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सो मेटल्स से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे क्या कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, वो प्रॉपर्टीज जो हम देख सके, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना करें, ठीक है। अगर वो कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, बट उसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे हैं कि वो क्या क्या सॉफ्ट है, टच करके देखते ना, हार्ड है सॉफ्ट है या हार्ड है, दूसरा सॉलिड स्टेट में है लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, फोर्स लगा के चेक कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट में हम सारी बातें वो करेंगे जिस पे हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सर तो पहले के वॉइस ऑडियो ब्रेक हो गए, और मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर क्लियर है वॉइस, ओके अब ठीक है। इस पॉइंट पे इरेज कर दूं मैं पहले वाले को, बताओ सर। बताओ सर, सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन करते हैं। जनरली जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की, वो होती है गेन करने की, ठीक है। तो पहले तो हमने यही इसी बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड किया था कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स हो गए, सॉरी जो एटम्स इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स हो गए, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्लियर हो गया सबको ये दोनों पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे रेज करूं, ठीक है। यस सर, थैंक यू, आ जाओ, ठीक है। जिसने सेकंड पॉइंट लिखा वो लिख ले, तब तक हम थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मेटल्स में आप सबने थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया था, सर मेटल्स को अगर हैमर से बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, सर थिन शीट। परफेक्ट, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी। वहीं पर अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, क्या नॉन मेटल भी मैलेबल होते हैं, अगर नहीं होते तो फिर वो क्या होते, सर वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बेयर ब्रेक हो जाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर तुम उसको हैमर से बीट करोगे दे विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, द शीट्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम नॉन मेटल्स, क्या थिन शीट्स हम नॉन मेटल से बना सकते हैं, तो नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर शीट्स कैन नॉट बी मेड बाय नॉन मेटल्स, ठीक है। सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ, नॉन मेटल्स क्या होते हैं सर, नॉन मेलेबल। इसी के बाद हमने बात करी थी मेटल्स में डक्टिलिटी की, किसकी की थी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हमने क्या डिस्कस किया था कि मेटल को सर वो वायर को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेच में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मेटल के ऊपर फोर्स लगाई तो दे आर विल बी कन्वर्टेड इनटू इसमें इन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। तो हम यहां पे लिखते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? नॉन मेटल्स का मिसाल डक्टाइल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, ये सारे क्या डिफरेंसेस है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट आ जाए और मुझे पता करना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो मैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, यस नो? सभी को यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सभी को ये पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही। तो क्या नॉन मेटल भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? सर नहीं, इसका सर बिल्कुल नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल्स आर गुड या बैड? सर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो फिर यहां पे हम लिखेंगे नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या होंगे, क्या सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? नहीं, कल हमने डिस्कस किया क्या था, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट याद है सबको? यस सर। ग्रेफाइट क्या था? हाँ सर याद है, सर कार्बन से बना हुआ था। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ पे लिखोगे ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाँ सर। तो सर बाकी नॉन मेटल ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट में ऐसी क्या बात है? ये सुनो, आप सभी तो बोलोगे, मन में तो आ रहा होगा सर ग्रेफाइट में ऐसी क्या बात है? Yes, बट सर पूछेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे सर, सर आप ही बताओगे, हम नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर इसके नीचे एरो बना के लिख लेना यहाँ से, तो ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन ही तो देना होता है, फ्लो करवाना था इलेक्ट्रॉन का, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, करंट बन जाएगा, तो इसीलिए ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ किसके, सर फ्री इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, एक और, क्योंकि एक नॉन मेटल है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है, आप ये फिर से समझ। व्हेनेवर वी आर सेइंग ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर क्यों है, तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, कंडक्शन के लिए देता है, जिसके कारण करंट बनता है, करंट बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, अब समझ में जाएंगे, गुड कंडक्टर है। अनिशा पूछो, क्या पूछ रहे थे, ठीक है, यहां पे डिस्कस करें आगे, जस्ट
क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, तो इसको यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है सर ड्राई सेल में, इसमें यूज किया जाता है ड्राई सेल। आप सबको सर एक नया वर्ड आ गया हमारे सामने, ड्राई सेल। क्या हमने ड्राई सेल देखा है कभी, बताओ? तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे पहले तो, हाँ सर सेल देखा, ड्राई सेल, सेल तो सबने देखा है, ड्राई सेल की बात कर रहा हूं। इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल। हाँ तो आप बताओ मेरे को किसने ड्राई सेल देखा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने आपको सबको नहीं देखा, सबने देखा है, सबने अपने घर में भी यूज किया हुआ है, बट पता नहीं है सर, या फिर पता भी हो तो वो भी देख लेते हैं। व्हेनेवर वी आर सेइंग अबाउट ड्राई सेल, तो आप सबको क्या याद रखना है, जो रिमोट के अंदर छोटे छोटे सेल डलते हैं, यस सर, रिमोट के अंदर सेल डलते हैं, तो दो सेल्स आर कॉल्ड राउंड वाले, हाँ राउंड वाले, कौन से राउंड वाले, ऐसे वाले, यस सर, यस सर, सेल जरूर देखेंगे, रिमोट में डाला जाता है, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड ड्राई सेल, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार यूज किए जाते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हम इनको, ठीक है। यस पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, खोल लोगे तो अंदर ब्लैक कलर की रोड मिले, दैट रोड किस चीज की होगी, वो ग्रेफाइट की रोड होगी, क्लियर। थर्ड पॉइंट पे रीड कर दूं, यस सर, ठीक है। तो बाबा ने बात की, किसकी बात की है सर, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, क्या नॉन मेटल शाइन करते हैं, हमने बात की थी ना, मेटल्स आर लस्टरलेस इन नेचर, तो वहीं पर When we are talking about non-metals, non-metals are non-lustrous. वो shine नहीं करते, क्या नहीं करते, shine नहीं करते। Sixth point, non-metals are, non-metals are non-lustrous. ठीक है, and साथ ही साथ एक और बात याद रखना, जब मेटल को पॉलिश किया जाता है तो वो शाइन कर जाता है, नॉन मेटल को पॉलिश नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते सर, कैन नॉट बी पॉलिश, ओके क्लियर। बट सर क्या इसमें भी एक्सेप्शन होगा या नहीं होगा, यस सर, बात करें तो बिल्कुल होगा, ऐसा तो है नहीं कि सर जब आप एक्सेप्शन वर्ड बोलो तो एक्सेप्शन ना मिले सर, डायमंड, हाँ डायमंड, बट डायमंड को जब वो मिलता है नेचर में वो शाइन नहीं करता उस टाइम पे, उसको पॉलिश किया जाता है तब वो शाइन करता है, ठीक है। तो ओरिजिनली सर डायमंड पहले से ही अपने ऐसे शेप में रहता है या फिर इसको कट किया जाता है, कट किया जाता है, हमेशा डायमंड की वैल्यू आफ्टर कटिंग डिसाइड होती है, ठीक है, और डायमंड शाइन नहीं करता, डायमंड रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जो लाइट उसके ऊपर आती है उसी को वापस स्प्रेड कर देता है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करोगे आगे चल के। अब बात करें किसकी, एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन में सबसे पहला तो किसकी बात, कोई भी चीज शाइन, हाँ कोई भी चीज शाइन,
हाँ तो वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर जब हर चीज में जो शाइनिंग होती है, आपका क्वेश्चन सर मैंने दोबारा से बताओ रमेश सर, मतलब जो भी चीज है वो रिफ्लेक्ट ही करती है लाइट को। हाँ, डायमंड के अंदर आप बहुत सी चीजें पढ़ोगे, अभी आप रिफ्लेक्ट की बात कर रहे हो, फिर उसके अंदर रिफ्लेक्ट भी आएगा, ठीक है, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और दिमाग के ऊपर से अभी चला जाएगा, तो हम अभी इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, ठीक है। तो जो बिना पॉलिश करे हुए शाइन करे, ऐसा भी कोई है, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे एक्सेप्शन की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पहला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आयोडीन, और एक और बात याद रखना, पेपर में आपसे प्रॉपर्टी से ज्यादा एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एक्सेप्शन पे। आयोडीन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, और ये लस्टरस होता है, क्या होता है सर, लस्टरस। फिर वहीं पर इसके साथ में आप सभी ये भी लिख सकते हो ग्रेफाइट, क्या लिख सकते हो ग्रेफाइट, ठीक है। बट अगर आपसे पहला पूछा जाए एक्सेप्शन, विच एक्सेप्शन जिसमें बताना है आपको एक नॉन मेटल जो लस्टरस है, तो आप सबसे पहले आयोडीन बताओगे, क्योंकि काफी सारे जो है वो ग्रेफाइट को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो जब भी पेपर में पहला ऑप्शन मिले आयोडीन और ग्रेफाइट, में आयोडीन को टिक करना पहले, ठीक है। ज्यादातर आपको आयोडीन ही देंगे क्वेश्चन में, या तो समय ये दोनों क्या है लस्टरस है, यस सर। बोलो पेंसिल में होता है वो तो शाइनी हो, लस्टरस, हाँ मतलब पेंसिल में क्या होता है ग्रेफाइट, क्या होता है ग्रेफाइट होता है। अब तुम कह रहे हो कि सर वो तो शाइन नहीं करता, क्या सुनो, यस सर, ठीक है, बट वो लिटिल बिट शाइन करता है, शाइन करता है बट लिटिल बिट, इतना ज्यादा नहीं करता। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जब भी आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलना आयोडीन फर्स्ट, क्योंकि ग्रेफाइट का क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो, ठीक है। चले आगे, फिर हमने मेटल्स yes, के बारे में एक और बात पढ़ी थी, मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है लो होती है, बताओ मेटल्स, मेटल्स की तो सर हाई होती है, फिर सिमिलर बात हम किसकी करेंगे नॉन मेटल्स की। तो सेवंथ पॉइंट इज अबाउट डेंसिटी, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है या लो होती है, सर लो होती है, क्या होती है लो होती है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, ठीक है। क्या सारे नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होगी, नहीं सर, मे बी कोई हो, हाँ है, कौन है, आयोडीन, आयोडीन की डेंसिटी काफी हाई होती है, तो हम यहां पर एक्सेप्शन में क्या लिख देंगे, आयोडीन हैव हाई डेंसिटी, इवन डायमंड, डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है इसके जितनी, सर एल्यूमिनियम मेटल जितनी, क्या होती है। तो साथ में आप लिख सकते हो डायमंड, डायमंड की जो डेंसिटी होगी क्या होगी, डायमंड इज ऑलमोस्ट एज हैवी एज एल्यूमिनियम,
ठीक है। अभी डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी लो होगी वो लाइट होगा, यस सुनो, मैंने सबको बताया था ये बात। एक और बात, अगर ये डेंसिटी वॉटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा, बताओ। सर वॉटर से वॉटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो फ्लोट करेगा, फ्लोट नहीं, नहीं सर सिंक, सिंक सिंक करेगा, सॉरी सिंक, सिंक करेगा, ठीक है। डायमंड की डेंसिटी तो एल्यूमिनियम से कितनी है और एल्यूमिनियम के तो वॉटर से ज्यादा होती है, तो डायमंड सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? सिंक, सिंक, सिंक कर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और बात आप सबसे, इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोन रस, इसके बारे में, सारी नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम डिस्कस